जिस घास को खरपतवार समझकर किसान फेंक देता है, ऐसी एक घास की वैरायटी की खेती करके जमशेदपुर का किसान हो गया है मालामाल। किसान ऑफ द वीक में आज आपको दिखाएंगे इस किसान की कहानी, जिसने घास की खेती करके इतनी कमाई की कि कर्ज भी चुकाया और साथ ही पूरे इलाके में नाम भी कमाया। जमशेदपुर के करुआ गांव के प्रगतिशील किसान गोपन कुंभकार ने पहली बार नेपियर घास की खेती की और उसके दम पर अपने गांव में ही नहीं पूरे झारखंड में नाम कमाया। दूर दूर से किसान गोपन के खेतों में उगी घास और उसे करने के तरीके के बारे में पूछने आते हैं। दरअसल गोपन को खेती से कोई कमाई नहीं हो रही थी और 8 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था। फिर एक एनजीओ की मदद से गोपन ने थाईलैंड से नेपियर ग्रास का स्टिक मंगवाया और उसको अपने खेतों में लगाया। गोपन ने शुरुआत में इसे अपने घर के बाहर करीब 15 एकड़ खेत में लगाया और सिर्फ 2 महीने में घास 15 फीट की हो गई। थाईलैंड से मंगवाई सुपर नेपियर घास की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी और किसान इसे देखने आते हैं। किसान गोपन के मुताबिक गाय और बकरी इसे बड़े चाव से खाते हैं और इस घास को खाने से दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। ये हमारा सुपर नेपियर ग्रास है। ये हमारा जो सार है, जो क्षेत्रमन सार, उसी के द्वारा ये हमारा थाईलैंड का वैरायटी है, उसी के वहाँ से ये मंगाया गया है। थाईलैंड से ला के यहाँ घास रोपा जी, कितना लाभदायक है ये? बहुत लाभदायक है। कैसे कैसे मतलब जो आप बोलिए मत सर। ये हमारा जो हम जब से लगा हुआ है कि मतलब जो ये इसका कोई हम अलमोल नहीं, ये हमारा जो चीज़ है कि रत्न जैसा है। जैसे मान के चलिए 9 लाख रुपया मेरा उधारी था, इसी घास में 8 महीना में मेरा कंप्लीट कर दिए हैं। कितना मुनाफा हुआ है आपको अभी तक? ये तो सर अभी तक मतलब जो मेरा उधारी था उतना तो हम पूरा चकता है, कम से कम 10 लाख के आसपास में आ गए हैं इस घास से। जी सर, इस घास की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या ये है? तो सबसे बड़ा चीज है, दूसरा नेपियर से ये एक नंबर का क्वालिटी है। इसमें दूध बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है और गाय को जो खाने के लिए जो होता है ये इतना मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है कि बहुत। और ये चीज मेरा लगाने का एक ही मकसद है कि इसमें हम जैसे कि बोलते हैं ना कि जो गौ माता को सेवा होना चाहिए। हम लोग तो एक हिंदू धार्मिक का मतलब जो गरीब किसान था, हम इतना मेरा परिस्थिति खराब था कि हमको जैसे कि बरसात में अभी पानी आते हैं ना मेरा घर में आते थे ना, तो हम खटिया मतलब जो पूरा दूसरे जगह करके हम लोगों को सोना पड़ता था। तो उसी के हम गरीबी हटाने के लिए ये चीज़ हम कुछ अलग से, जैसे कि दूसरा फसल लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, धूप से बर्बाद हो जाता है, बरसात से बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी कारण से हम कुछ नया सोचे हैं कि हमको कुछ हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे राज्य को, हमारे जिला को कुछ अलग से मतलब जो करने के लिए हम ये वाला चीज लगाए हैं। कितना एकड़ में लगाया है ये? अभी हम मेरा कम से कम 10 से 12 एकड़ में अभी यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ 95 एकड़ में हमको हमारे डीसी साहब के द्वारा लगाने के लिए अनुमति दिया गया है। और हमारा जो 20,000 स्टिक मतलब जो अभी मेरा घर में रेडी किया हुआ है, वो अभी कल से मतलब कल गया है माल। और मेरा डेली एक गाड़ी कम से कम 15,000 से 20,000 रुपया डेली मेरा एक मतलब जो गाड़ी का मुनाफा आ जाता है। जिलाधिकारी ने बताया कि गोपन को 90 एकड़ भूमि लीज पर देकर थाईलैंड से ये नेपियर ग्रास मंगवा के लगाने को दिया और उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पशुओं को चारा देने के अलावा हरी घास खरीदने वाले पशुपालक किसान इसे हाथों हाथ खरीदते हैं। ये घास जो है सुपर नेपियर है, थाईलैंड वैरायटी है। ये हम लोग एक रिसर्च सेंटर से कलेक्ट किए थे, जो किसान को दिए, बोल रहे हैं इसका ट्राई कीजिए। तो इस किसान द्वारा इतना बढ़िया से किया गया है इसका खेती कि मतलब बहुत अच्छा किया है। हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ये इतना अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हुआ है ये। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये घास? ये लगभग 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है कटिंग के लिए और एकड़ में कम से कम 180 से लेके 200 किलो तक पर एकड़ निकल जाता है इसका। इसकी हाइट क्या होती है? इसकी हाइट अगर बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे तो कम से कम 15 फीट तक जाता है। और इस घास की खासियत क्या है? खासियत इसमें ये है, अगर कोई जो पशु है, बकरी हो, गाय हो, इसमें बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो कोई भी दुधारू गाय है तो उसकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वैरायटी है गाय की, वो दे रही है 10 लीटर, तो इस घास का इस्तेमाल करने से आपको ये कम से कम 15 से 20 लीटर तक दे देती है।
क्यों, एकाएक इतना क्यों बढ़ता है, ये घास की खासियत क्या है? घास की खासियत है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्या है प्रोटीन में इसमें? इसमें प्रोटीन में हाइल्ड प्रोटीन C24 और C25 पाई जाती है। तो इसमें जो है, और ये आपका अगर कोई भी पशु इसके इस्तेमाल किए लगातार करने से वो ईटिंग की क्षमता, मतलब खाने की क्षमता बढ़ जाती है। मान लो कोई अगर एक दिन में 5 किलो खा रही थी तो नेपियर का इस्तेमाल करने से वो 10 किलो खाने लगती है। तो उसकी जब भोजन शक्ति बढ़ जाती है तो उसका दूध की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पटंदा में एक किसान है गोपेन करके, वो अभी नेपियर ग्रास को ग्रो कर रहा है। और वो ग्रास का ये फ़ायदा है कि सॉइल इरोजन से बचाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो पशु है उसके लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये उसका बेनिफिट है। वो ट्रायल बेसिस पे यहाँ पर किया था और वो सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं ये देना चाहूँगी दूसरे किसानों की, उनसे भी कुछ सीखी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ वो सीख के आया है। वो हमारे विभाग से भी वो ट्रेनिंग लेके आया है छत्तीसगढ़ में IGKV से, और वहाँ से वो ग्राफ्टिंग सीख के आया है, बहुत सारी नई नई चीज़ सीख के वो आया है। तो अभी वो अपने फील्ड में वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। पिछले साल हम लोग उद्यान विकास योजना से हम लोगों ने केला का पौधा दिया है, और उसे दिन ब दिन हम लोग मॉनिटर करते हैं। वो मुझे वीडियो भी भेजता है, दिन ब दिन बातचीत भी करते हैं, उपचार भी बताते हैं किस तरह केला खेती करना है। और साथ साथ हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू हम लोग अभी प्लास्टिक मल्चिंग भी उसे प्रोवाइड किए हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं किसान को कि वो मल्चिंग के थ्रू वो खेती करें, क्योंकि वो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करता है, जो भी वीड्स निकलते हैं सॉइल में उस चीज़ को बचाता है। मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि जो किसान खेती कर रहे हैं वो लोग अलग अलग तरीके से खेती करें। जिस तरह ये गोपेन जी ने खेती किया है, मतलब वो हर चीज़ को ट्रायल बेसिस में कर रहे हैं, हर जगह से इनकम कमाने की कोशिश करें। उस तरह मैं कहना चाहूँगी कि बाकी किसान लोग को भी हर जगह से इनकम कमाना चाहिए, सिर्फ कृषि से नहीं, पशुपालन से भी और मत्स्य से भी, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहिए। नेपियर घास ने किसान गोपन को सफल बना दिया है। आज इस खेती से उन्होंने अपना पूरा कर्ज उतार दिया है और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इस घास की बदौलत गोपन ने 10 महीने में करीब 10 लाख की कमाई की है, जिसमें से उन्होंने 8 लाख अपने कर्ज में चुका दिए और साथ ही 2 लाख की बचत की। अपनी प्रगतिशील खेती की बदौलत गोपन का नाम आज राज्य के सफल किसानों में शामिल हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।